हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जीनियस गाइडेंस। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। ये क्लास टेंथ का फर्स्ट चैप्टर है, अ लेटर टू गॉड, यानी भगवान को एक पत्र। आज इसको हम लोग कम्प्लीट रीड करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसकी कुछ डिफिकल्ट मीनिंग समझ लेते हैं, वर्ड मीनिंग्स, उसके बाद से हम लेसन के तरफ बढ़ते हैं। तो आइए इसकी वर्ड मीनिंग को जान लेते हैं। इसमें फर्स्ट वर्ड दिया है कालामिटी। अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हो सकता है, कुछ लोग इसको कालामिटी पढ़ते हैं, कुछ लोग कालेमिटी पढ़ते हैं, कुछ लोग कालामिटी पढ़ते हैं, है ना। तो कालामिटी मीन्स होता है संकट। आप प्रोनाउंसिएशन पे ना जाइएगा, है ना, आप जो भी इसको रीड करें इसकी मीनिंग समझिए। कालामिटी मीन्स होता है संकट। डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस मीन्स होता है जैसे सफरिंग्स, यानी दुख या कष्ट। डॉटेड, डॉटेड मीन्स होता है भरे हुए। नेक्स्ट है प्रोमिस्ड, प्रोमिस्ड मीन्स होता है भरोसेमंद। नेक्स्ट है डाउनपोर, डाउनपोर मीन्स होता है मूसलाधार बरसात। इंटीमेटली, इंटीमेटली मीन्स होता है नज़दीकी। प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्टेड मीन्स होता है भविष्यवाणी करना, यानी फोरटेल, भविष्यवाणी करना, पहले बता देना। अप्रोचिंग, अप्रोचिंग मीन्स होता है नज़दीक आना, यानी पास आना। ड्रैप्ड, ड्रैप्ड मतलब होता है ढके हुए या लपेटे हुए, है ना। कॉर्नफील्ड, कॉर्नफील्ड मीन्स होता है अनाज का खेत, अनाज का खेत। सॉल, सॉल मीन्स होता है आत्मा। सॉलिटरी, सॉलिटरी मीन्स होता है एकाकी या अकेला, ओके। अपसेट, अपसेट मीन्स होता है दुखी या उदास, है ना। इवन दो, इवन दो मीन्स होता है यद्यपि। इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्टेड मीन्स होता है सिखाया या बताया गया, है ना, सिखाया गया उसको बताया गया, जो भी है। कॉन्साइंस, कुछ लोग इसको कॉन्सिस पढ़ते हैं, कुछ लोग कॉन्साइंस पढ़ते हैं, है ना। कॉन्साइंस मीन्स होता है अंतर आत्मा। नेक्स्ट है एन ऑक्स ऑफ मैन, एन ऑक्स ऑफ मैन मतलब होता है मेहनती व्यक्ति, कुछ लोग इसको बैल का व्यक्ति बोलते हैं, बैल जैसा व्यक्ति बोलते हैं, लेकिन एन ऑक्स ऑफ मैन का मतलब होता है मेहनती व्यक्ति। अ डे ब्रेक, अ डे ब्रेक मतलब होता है सुबह यानी मॉर्निंग। ट्रबल्ड, ट्रबल्ड मीन्स होता है दुविधा में। नेक्स्ट है मेल बॉक्स, मेल बॉक्स मीन्स होता है पत्र डालने वाला बक्सा, ओके, पत्र डालने वाला जो बक्सा हो मेल बॉक्स है। एमिएबल, एमिएबल मीन्स होता है फ्रेंडली यानी दोस्ताना। नेक्स्ट वर्ड है टैपिंग, टैपिंग मतलब थपथपाना यानी पैटिंग करना, है ना, थपथपाना। सैक, सैक मिस होता है कमज़ोर पड़ना। नेक्स्ट है इविडेंट, इविडेंट मिस होता है पता चलना, किसी चीज़ के बारे में पता चल जाना, कम टू नो। रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन मिस होता है पक्का इरादा। एक्सपीरियंसिंग, एक्सपीरियंसिंग मिस होता है अनुभव करते हुए, अनुभव करते हुए। कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट मीन्स होता है सेटिस्फैक्शन यानी संतुष्टि, कंटेंटमेंट। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस मीन्स होता है फर्म फेथ यानी पक्का विश्वास। डिनाइड, डिनाइड मीन्स होता है इनकार कर देना या मना कर देना, है ना, मना किया, इनकार किया। अफिक्स्ड, अफिक्स्ड मीन्स होता है चिपकाना यानी फिक्स्ड करना, चिपकाना। बंच, बंच मीन्स होता है टोला, बंच में से गुच्छा भी होता है, है ना। या क्रुक्स, क्रुक्स में से होता है धोखेबाज, क्या होता है, धोखेबाज। तो ये कुछ डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स थी। अब हम चलते हैं लेसन के तरफ। तो ये है आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट, अ लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र। आपको स्टोरी की शुरुआत में थोड़ा बता दें कि एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका नाम लैंचो रहता है इस स्टोरी में, और भगवान के ऊपर इसको इतना ज़्यादा विश्वास रहता है, जिसको हम बोले अटूट विश्वास, इतना ज़्यादा विश्वास रहता है कि भगवान उसकी मदद ज़रूर करेगा,
है ना। शायद आज के समय में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो उतना विश्वास करता हो गॉड के ऊपर, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा विश्वास रहता है। तो आइए इसी विश्वास के बारे में इस स्टोरी के आज हम पढ़ते हैं कि उसका विश्वास कैसा होता है और गॉड के प्रति वह कैसा फेथ रखता है। बिफोर यू रीड, देश से मतलब यहाँ से लोगों से मतलब है, यानी वे लोग, यानी देश से फेथ कैन मूव माउंटेंस, यानी लोग कहते हैं कि जो विश्वास है, फेथ है, वो माउंटेन यानी पर्वत को भी हिला सकता है। यानी वे कहते हैं, लोग कहते हैं कि विश्वास जो है, फेथ जो है, वो पर्वत को भी डगमगा सकता है। बट परंतु व्हाट शुड बी पुट आवर फेथ इन, परंतु बात यह आती है कि हमें किस पर विश्वास करना चाहिए या हमें कहाँ विश्वास करना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन, यह प्रश्न है। यह क्या है? प्रश्न है दिस स्टोरी डिलीगेटली पोसेस, जो कि इस कहानी में, डिलीगेटली पोसेस मतलब निहित है, यानी जो कि इस कहानी में निहित है ना, कि विश्वास हम कहाँ करें, किससे करें, कैसे करें। सेकेंड सेंटेंस है लैंचो इज अ फार्मर, यानी लैंचो एक किसान है। कुछ लोग इसको लैंको पढ़ते हैं, कुछ लोग लैंचो पढ़ते हैं, जो भी प्रोनाउंसिएशन हो आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट लैंचो इज अ फार्मर, लैंचो एक किसान है, हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, जो भगवान को एक पत्र लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइंड, यानी जब उसकी फसल नष्ट हो जाती है, आस्किंग फॉर 100 पीसोज, यानी भगवान से वो 100 पीसोज मांगता है। जब उसकी फसल नष्ट हो जाती है तो अपने परिवार को जीवित रखने के लिए वो भगवान से 100 पीसोज मांगता है। डज लैंचो लेटर रीच गॉड, क्या लैंचो का पत्र, लैंचोज लेटर मीन्स लैंचो का पत्र, रीच गॉड, भगवान तक पहुंचता है। सेकंड क्वेश्चन है डज गॉड सेंड हिम द मनी, गॉड मीन्स भगवान, सेंड मीन्स भेजते हैं, हिम मतलब उसे, द मनी मीन्स पैसा, क्या भगवान उसे पैसा भेजते हैं। थिंक ऑफ योर ओन आंसर, आप अपने बारे में कोई आंसर सोचिए, यानी अपने आप से कोई आंसर सोचिए टू दिस क्वेश्चन, इन प्रश्नों के, यानी इन प्रश्नों के आंसर अपने आप से सोचिए एंड गेस, और अनुमान लगाइए हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, यानी कहानी कैसे कंटिन्यू होती है ना। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, यानी इसे पढ़ने से पहले आप यह अनुमान लगाइए कि यह कहानी कैसे स्टार्ट होती है। तो आइए बिना हम देर किए इसके मेन पॉइंट पर चलते हैं, यानी स्टोरी जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। यहाँ पे आप 3 स्टार बना हुआ है देख रहे हैं, यहीं से स्टोरी की स्टार्ट होती है। दी हाउस, दी हाउस मीन्स वह घर, कौन सा घर, दी ओनली वन इन द इंटायर वैली, ओनली वन मीन्स एकमात्र, इन द इंटायर, इंटायर का मतलब होता है संपूर्ण, वैली मीन्स घाटी, जो कि संपूर्ण घाटी में इकलौता था, यानी वह घर जो कि संपूर्ण घाटी में इकलौता था। सैट ऑन, सैट ऑन मतलब स्थित था, द क्रेस्ट मतलब चोटी पर, ऑफ लो हिल मतलब निचली पहाड़ी के, जो कि निचली पहाड़ी के चोटी पर स्थित था, यानी वह घर जो संपूर्ण वैली में एकमात्र था, वह कहाँ स्थित था, निचली पहाड़ी के ऊपरी चोटी पर स्थित था, यानी निचली पहाड़ी के चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस, यानी यहाँ से, फ्रॉम दिस मीन्स यहाँ से, फ्रॉम दिस हाइट यानी इसके ऊंचाई से, सॉरी इसके ऊंचाई से, वन कुड सी, कोई देख सकता था रिवर, क्या क्या देख सकता था, रिवर नदियाँ, नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पके हुए खेतों को देख सकता था, यानी उस घर के ऊंचाई से क्या क्या देखा जा सकता था, नदियों को देखा जा सकता था, फिर और पके हुए खेतों के अनाजों को देखा जा सकता था। डॉटेड विथ फ्लावर्स, जो फूलों से आच्छादित थे या फूलों से लदे हुए थे। दैट ऑलवेज, जो कि हमेशा, प्रॉमिस्ड गुड हार्वेस्ट, एक अच्छे फसल की उम्मीद करते थे या एक अच्छे फसल की भरोसा देते थे, यानी वहाँ से देखा जा सकता था। ये सेकेंड पैराग्राफ है। The only things the earth needed, यानी पृथ्वी को केवल एकमात्र चीज की जरूरत थी, was a downpour, यानी एक बौछार, or a list of, sorry, एक मूसलाधार बारिश, और downpour मतलब मूसलाधार बारिश होता है, downpour or a list shower, या थोड़ी बहुत बौछार की, यानी पृथ्वी को किसी की जरूरत थी, मूसलाधार वर्षा की एक बार, या फिर थोड़े बहुत बौछार की पृथ्वी को जरूरत थी।
थ्रू आउट द मॉर्निंग, यानी समय के सुबह के दरमियान, सुबह के समय लंचो जो था, लंचो सुबह के समय लंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपने खेतों से, जो अपने खेतों को बहुत अच्छे तरीके से जानता था, इंटीमेटली यानी घनिष्ठता से जानता था, बहुत अच्छे से जानता था, हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया, बट सी एल्स, कुछ नहीं किया इसके सिवाय, बट सी द स्काई टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, केवल उत्तर और पूर्वी की तरफ आसमान को देखने के सिवाय उसने कुछ नहीं किया था। किसने? लंचो ने। नाउ अब वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, यानी रियली में सचमुच, गोइंग मतलब जा रहे हैं, गेट मतलब पाना, सम वाटर मतलब कुछ पानी, वुमन मतलब औरत, यानी उसने अपने वाइफ से कहा कि सचमुच आज हम लोग को कुछ पानी मिलने जा रहा है। दी वुमन, दी वुमन मतलब औरत, हु वॉज प्रिपेयरिंग सुपर, जो कि खाना पका, यहाँ पे सुपर मतलब खाने से है, प्रिपेयरिंग सुपर जो खाना पका रही थी रसोई में, रिप्लाइड उसने जवाब दिया, यस गॉड्स विलिंग, हाँ अगर जो भगवान ने चाहा तो, यानी भगवान ने चाहा तो जरूर बारिश मिलेगी। नेक्स्ट, द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, ओल्डर बॉयज मतलब जो बड़े लड़के थे, वर्किंग इन द फील्ड मतलब खेत में काम कर रहे थे, यानी जो बड़े लड़के थे वो खेत में काम कर रहे थे, वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, वाइल मतलब जबकि, द स्मॉलर वंस मतलब जो छोटे बच्चे थे, वर प्लेइंग खेल रहे थे, नियर द हाउस घर के पास में, जबकि जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास में खेल रहे थे, अनटिल द वुमन कॉल्ड देम ऑल, तभी यानी तभी उस औरत ने उन सभी लोगों को बुलाया, देम ऑल मतलब उन सबको बुलाया, किसके लिए बुलाया, कम फॉर डिनर, यानी रात्रि के भोजन के लिए आ जाओ, कम फॉर डिनर, रात के भोजन के लिए आ जाओ। कम फॉर डिनर यानी डिनर के लिए आ जाओ, भोजन करने के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, यह भोजन का समय था, इट वॉज ड्यूरिंग द मील यानी खाने के दरमियान, दैट की जस्ट एज लंचो हैड प्रिडिक्टेड, यानी जैसा लंचो ने भविष्यवाणी की थी, प्रिडिक्टेड मतलब भविष्यवाणी किया था, बिग ड्राफ्ट ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, मैंने बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना प्रारंभ हो गई, बिगिन मतलब आरंभ होना, फाल मतलब गिरना, यानी बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना आरंभ हो गई। बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना आरंभ हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में उत्तरी तरफ ह्यूज माउंटेन मतलब विशाल पर्वतों के जैसे, ऑफ क्लाउड्स यानी बादल, यानी पर्वतों के जैसे बादल, क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग आते हुए दिखाई दिए, यानी उत्तरी, यानी उत्तरी और पूर्वी के यानी कोने से, उत्तरी और पूर्वी के तरफ से यानी पर्वत के जैसे, पहाड़ के जैसे बादल आते हुए दिखाई दिए, अप्रोचिंग। The air was fresh and sweet. Air means हवा, fresh means ताज़ा, sweet means मीठा, मधुर, यानी हवा जो था वो तरोताज़ा और मधुर था। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rains on his body. यानी वो आदमी जो था, यानी लंचो जो था, वो घर से बाहर जो निकला था, यानी जो बाहर गया था, वो किसी दूसरे कारण से बाहर नहीं गया था, बल्कि वह उन बारिश की बूंदों को, यानी रेन्स की, जो बारिश की बूंदें थी उनको अपने बॉडी पर महसूस करने के लिए केवल बाहर निकला था, और कोई रीज़न नहीं था। When he returned, और जब वह वापस आया, when he returned, यानी जब वह वापस आया, he exclaimed, वह चिल्लाया, exclaimed मतलब खुश चिल्लाया, कैसे, these aren't raindrops falling from the sky, यानी यह बारिश की बूंदें नहीं गिर रही आसमान से, यानी आसमान से बारिश की बूंदें नहीं गिर रही हैं, वे हैं न्यू क्वाइंस, वो नए नए सिक्के गिर रहे हैं, द बिग ड्रॉप्स यानी बड़े जो सिक्के हैं आर 10 सेंट, वो 10 सिक्के के 10 सेंट के बराबर हैं,
पीसेस एंड द लिटिल वंस आर फाइव्स, और जो छोटे छोटे सिक्के हैं वो पांच कॉइन्स के बराबर हैं, पांच कॉइन के बराबर हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ है, विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, यानी संतुष्टि भाव से, यानी चेहरे पर जो एक्सप्रेशन होता है, भाव होता है, संतुष्ट भाव से रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, यानी उसने संतुष्ट भाव से इसने इसके फूलों के साथ खेत को यानी बरसात से ढके हुए देखा, यानी क्या ड्रैप्ड विथ कर्टेन ऑफ रेन, यानी बरसात से ढके हुए देखा। बट सडनली, परंतु अचानक ए स्ट्रांग विंड, यानी एक तेज हवा बिगन टू ब्लो, चलने लगी, यानी अचानक तेज हवा चलने लगी, एंड अलोंग विद द रेन, और बारिश के साथ साथ, अलोंग मतलब साथ, यानी बारिश के साथ साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगन टू फॉल, यानी बड़े बड़े ओले भी गिरना प्रारंभ हो गए, यानी पानी के साथ साथ बड़े बड़े ओले भी गिरना प्रारंभ हो गए। दीज ट्रूली डिड रिसेम्बल न्यू सिल्वर क्वाइंस, और यह बिल्कुल नए चांदी के सिक्कों के समान मिलते जुलते थे। रिसेम्बल मतलब मिलता जुलता, यानी नए चांदी के सिक्कों के समान मिलते जुलते थे। यहाँ पे द बॉयज मतलब लड़के, द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व टू द रेन, यानी लड़के जो थे अपने आप को उस बारिश में भिगो रहे थे। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, और उन बिखरे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए, फ्रोजन पल्स मतलब बिखरे हुए मोती, यानी बिखरे हुए मोतियों को कलेक्ट करने के लिए दौड़ रहे थे उसी पानी में, बरसात में। नेक्स्ट पैराग्राफ है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन, यानी उस मैन मतलब यहाँ पे लैंचो से है, यानी लैंचो ने बहुत जोर से चीखा, अब वास्तव में बहुत बेकार हो रहा है, रियली गेटिंग वेरी बैड, सचमुच बहुत बेकार हो रहा है अब। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, इट पासेस क्विकली, यह जल्द ही समाप्त हो जाएगा, यानी मैं उम्मीद करता हूँ कि यह बरसात जो है जल्दी समाप्त हो जाएगी। इट डिड नॉट पास क्विकली, और यह जल्दी समाप्त नहीं हुई। फॉर एन आवर द हेल रैंड, यानी घंटों तक ओले गिरते रहे, रैंड ऑन द हाउसेस, यानी घरों पर गिरे, दी गार्डन बागीचे में गिरे, दी हिल साइड पहाड़ी के साइड में गिरे, दी कॉर्नफील्ड और फसलों के खेतों में गिरे, ऑन द होल वैली और संपूर्ण घाटी में गिरा, क्या ओले घंटों तक गिरते रहे। द फील्ड वाज वाइट एज इट कवर्ड विद साल्ट, और खेत ऐसे सफ़ेद हो गया था जैसे मानो के नमक से ढक गया है, कवर्ड मिस ढक गया है, विद साल्ट मिस नमक से, यानी ऐसे मानो कि जैसे वो नमक से ढक गया हो। नॉट अ लीफ, यानी एक पत्ता भी नहीं बचा था, रॉट अ लीफ रिमेंड मतलब बचा हुआ, यानी नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, और पेड़ों पर एक पत्ता भी नहीं बचा हुआ था। द कार्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और फसल जो था वो पूरे तरीके से बर्बाद हो गया था, नष्ट हो गया था, टोटली मतलब पूरा, डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट हो गया, है ना, नष्ट हो गया, पूरे तरीके से नष्ट हो गया था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फ्लावर मतलब फूल, गॉन मतलब चले गए, फ्रॉम द प्लांट्स मतलब पेड़ों से, यानी पौधों से जो फूल थे वो गायब हो गए थे। लैंचो साल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, और लैंचो का हृदय जो था वो दुख से भर गया था। नेक्स्ट पैराग्राफ है, व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, जब तूफान थमा, पास्ट मतलब थम गया, रुक गया, पास हो गया, यानी जब तूफान थमा, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह खेत के बीच में खड़ा हो गया, एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से कहा, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट, प्लेग मतलब होता है यानी झुंड, लोकस्ट मतलब टिड्डो, यानी टिड्डो का झुंड वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे कहीं अधिक छोड़ जाता, मोर देन दिस, इससे कहीं अधिक छोड़ जाता, यानी एक टिड्डो का झुंड भी अगर जो हमला किया होता तो इससे अधिक छोड़ जाता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, इस ओले ने तो कुछ नहीं छोड़ा है। दिस ईयर, इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न, हम लोग के पास कोई फसल नहीं होगा। भाई सब कुछ जब साल्ट के तरह, नमक के तरह ढक गया है तो फसल कैसे होगा, इस साल हम लोग पास कोई फसल नहीं होगा।
दैट नाइट वाज अ सॉरोफुल वन, और वह रात एक बहुत ही दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, और हमारे सारे काम का मेहनत का यानी हमारे सारे काम करने का मतलब कुछ नहीं रहा, यानी हमारे मेहनत का फल यहाँ जीरो मिलने वाला है। देयर नो वन हु कैन हेल्प अस, और यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सभी लोगों को इस साल भूखे ही रहना पड़ेगा। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस, परंतु उस एकांकी घर में रहने वाले सभी लोगों के दिलों में बस एक ही चीज की उम्मीद थी। इन द मिडिल ऑफ द वैली, यानी उस घाटी के बीचों बीच एकांकी घर में रहने वाले लोगों के दिल में केवल एक ही चीज था, वो था देयर वाज अ सिंगल होप, उन लोगों के दिल में बस एक ही चीज की आशा थी, उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी भगवान से सहायता। डोंट बी अपसेट, दुखी मत हो, डोंट बी अपसेट, दुखी मत हो, इवन दाउ दिस सिम्स लाइक अ टोटल लॉस, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये संपूर्ण लॉस है, सब कुछ खो गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता है, याद रखो, कोई भूख से नहीं मरता। दैट्स वाज दे सेड, इन उन लोगों ने कहा था, उन्होंने कहा था कि कोई भूख से नहीं मरता है, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है ऑल थ्रू द नाइट, यानी पूरी रात लेंचो थॉट ओनली वन ऑफ हिज वन होप, यानी लेंचो थॉट में सोचा ओनली मतलब एक, वन होप मतलब एक आशा, यानी लेंचो केवल एक ही बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से सहायता, क्योंकि उसके पास किसी और से कोई सहायता की उम्मीद नहीं थी। हुज आई, जिसकी आंखें, यानी उसकी आंखें लेंचो की, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कुछ उसको बताया गया था, सिखाया गया था, या जैसा कुछ उसको समझाया गया था, शी एवरीथिंग, सब कुछ देख सकती हैं, यानी भगवान की आंखें, सॉरी, या जैसा कुछ उसको बताया गया था कि भगवान की आंखें सब कुछ देख सकती हैं, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, और यहाँ तक कि एक व्यक्ति के अंदर की बात को समझ सकता है, यानी अंतरात्मा की बात को समझ सकता है। लेंचो मिस लेंचो वाज एन एक्स ऑफ मैन, लेंचो एक बहुत ही कठिन परिश्रमी आदमी था। एक्सापमैन मतलब बैल की तरह आदमी नहीं था, वो परिश्रमी आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, और खेतों में वह जानवर की तरह काम करता था। बट स्टील, परंतु फिर भी, ही न्यू हाउ टू राइट, परंतु फिर भी वह जानता था कि कैसे लिखना है। द फॉलोइंग संडे, यानी अगले रविवार, एट डे ब्रेक, दिन के समय, ही बिगन टू राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखना प्रारंभ कर दिया, विच, जो कि ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू द टाउन, और स्वयं शहर को लेके जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और उसको मेल बॉक्स में डालेगा। नेक्स्ट है, इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, यानी यह भगवान के पत्र के नाम से कम नहीं था, यानी भगवान को ही पत्र लिखा था। गॉड ही रोट, उसने लिखा, भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरी मदद नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रहेंगे। आई नीड 100 pishos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, यानी मेरे खेत को दोबारा बोने के लिए मुझे 100 pishos की ज़रूरत है, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम, और जब तक फसल ना आ जाए तब तक जीवित रहने के लिए मुझे 100 pishos की ज़रूरत है, बिकॉज द हेल स्टोर्म, क्योंकि हेल स्टोर्म, यानी हेल स्टोर मतलब क्योंकि ओले जो थे पूरे खेत को उसके नष्ट कर चुके थे। नेक्स्ट पैराग्राफ है, ही रोट, उसने लिखा टू गॉड, भगवान को, उसने लिखा भगवान को, ऑन द एनवेलप, इन लिफाफे के ऊपर उसने लिखा टू गॉड, भगवान को पत्र लिखा। पुट द लेटर इन साइड एंड, यानी पत्र को लिफाफे के अंदर डाला और स्टिल ट्रबल्ड, और चल दिया। वेंट टू टाउन, इस शहर को गया, एट द पोस्ट ऑफिस गया, ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने पत्र पर एक स्टंप लगाया, एंड ड्राफ्ट इट इन टू द मेल बॉक्स, और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, उसमें का एक कर्मचारी,
वन ऑफ द एम्प्लॉयज मीन्स यानी एक कर्मचारी हु वॉज अ पोस्टमैन, जो एक पोस्टमैन था, डाकिया था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड द पोस्ट ऑफिस, और वह पोस्ट ऑफिस की मदद भी करता था, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, वह अपने बॉस के पास हंसते हुए गया, मनो हृदय से हंसते हुए गया, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसको भगवान का यह पत्र दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर, उसके पूरे जीवन काल में, नेवर इन हिज कैरियर, उसके पूरे जीवन काल में कभी नहीं, जब पोस्टमैन, जब वो पोस्टमैन था तो उसके पूरे जीवन काल में ऐसा कभी नहीं हुआ था, हैड नोन द एड्रेस, उसने ऐसा कोई एड्रेस कभी नहीं देखा था अपने जीवन काल में। भाई भगवान का पता कौन जानता है, कोई नहीं जानता है, कोई नहीं देखा है। द पोस्ट मास्टर, यानी जो पोस्ट मास्टर था, ए फैट मोटा सा एमिएबल फेलो, जो बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, एमिएबल मतलब होता है दोस्ताना व्यवहार वाला आदमी था, है ना, एबीएबल फेलो, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी हंसने लगा, वो भी उस पत्र को देख के हंसने लगा, बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन तुरंत ही वो कुछ देर बाद गंभीर हो गया, तुरंत ही वो कुछ देर बाद गंभीर हो गया। टाइपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, यानी डेस्क पर लेटर को रखते हुए, थपथपाते हुए कमेंटेड, कमेंट किया, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, यानी क्या भरोसा है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मैं इच्छा करता हूँ कि मुझे भी उतना विश्वास होता, वो रोड दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है। यानी काश मुझे भी उतना भरोसा होता जिसना इस व्यक्ति को भरोसा है। स्टार्टिंग अप कॉरेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, यानी भगवान के साथ ही पत्र व्यवहार कर रहा है, पत्र व्यवहार का नहीं, भगवान से इतना विश्वास है कि भगवान को पत्र लिख रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, और इसलिए राइटर्स फेथ मतलब लेखक का विश्वास, जो लेंचो ने लिखा था उसका विश्वास भगवान के प्रति टिका रहे, डिगा रहे, इसलिए द पोस्ट मास्टर केम अप, पोस्ट मास्टर आया विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया, विचार आया, आंसर द लेटर, पत्र का जवाब दो, उसके दिमाग में आया कि पत्र का जवाब देना जरूरी है कि भगवान से इसका विश्वास न टूटे। बट वेन ही ओपेंड इट, परंतु जब इसने इसको खोला, इट वॉज इविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, जब इसने इसको खोला तो इसमें क्या था, पता चला कि इसमें अच्छे विचार है ना, अच्छे विचार, एविडेंट आंसर, यानी उसको बस आंसर, उत्तर, इसका जवाब नहीं चाहिए, यानी इसको उससे अधिक चाहिए, नीडेड मतलब जरूरत थी, समथिंग मतलब कुछ और, मोर देन मतलब उससे अधिक, गुडविल मतलब जो गुडविल देते हैं, इंक एंड पेपर यानी स्याही और कागज, यानी स्याही और कागज या गुडविल के सिवा उसको और भी अधिक चीज चाहिए था, क्या चाहिए था। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वह अपने इस काम पे अडिग रहा, वह अपने इरादे पर अडिग रहा, यहाँ पर रिजोल्यूशन मतलब इरादा है, अपने इरादे पर अडिग रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने अपने सैलरी के कुछ अंश भी दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लिज्ड टू गिव समथिंग, और उसके बहुत सारे दोस्त भी लोग उसको कुछ देने पर विवश हो गए, यानी उसको कुछ देने के लिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, यानी दान के अनुसार कुछ देने के यानी इस पवित्र काम में कुछ न कुछ दान देने के लिए वो सभी विवश हो गए। नेक्स्ट, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर टूगेदर द 100 pieces, लेकिन उसके लिए यह असंभव था, गेदर मतलब इकट्ठा करना, टूगेदर मतलब एक साथ, 100 pieces मतलब 100 pieces, यानी उसके लिए एक साथ 100 pieces इकट्ठा करना असंभव था। सो इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वह किसान को केवल आधा से अधिक पैसा देने के योग्य हो सका, वह पूरा 100 pieces नहीं दे पाए, न कलेक्ट कर पाए। ही पुट दी मनी इन एन एनवेलप, उसने लिफाफे में उस पैसे को डाला, एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो को एड्रेस कर दिया, एंड विथ अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, ए सिग्नेचर गॉड,
और उस लिफाफे के ऊपर केवल सिग्नेचर कर दिए गॉड, है ना, भगवान, और उस पत्र को लंचो के पास भेज दिया गया। नेक्स्ट है दी फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, लंचो केम अ बिट अर्लियर, लंचो थोड़ा पहले आया देन यूजुअल टू आस्क, यानी रोज से पहले आया टू आस्क, पूछने के लिए, इफ देयर वाज अ लेटर फ्रॉम हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, और वह स्वयं डाकिया ही था जो उसको पत्र को उसके हाथ में दिया। वाइल द पोस्टमास्टर, जबकि पोस्टमास्टर जो था एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन, जो कि एक संतुष्ट भाव से उस आदमी के तरफ एक्सपीरियंसिंग कर रहा था, अनुभव कर रहा था, हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जिसने एक अच्छे काम किए थे, एक नेक काम किए थे, वो खिड़की से झांक रहा था, लुक्ड फ्रॉम हिज ऑफिस, जो अपने ऑफिस से झांक रहा था या देख रहा था। लेंचो शोड नॉट स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो ने कोई स्लाइटेस्ट सरप्राइज नहीं दिखाया, आश्चर्यचकित नहीं हुआ। ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि वह उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वह गुस्सा हो गया, नाराज हो गया जब उसने पैसे को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकता है। नॉर कुड ही हैव डिनाइड मतलब मना करना, और ना ही वो मना कर सकता है। लेंचो वार्ड ही हैड रिक्वेस्टेड, या लेंचो ने जो कुछ मांगा है उसे भगवान मना भी नहीं कर सकता है। इमीडिएटली तुरंत लेंचो वेंट टू दी विंडो फॉर आस्क फॉर पेपर एंड इंक, तुरंत लेंचो खिड़की के पास गया और वहाँ पे स्याही और पेपर को मांगा, स्याही और पेपर मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और जो पब्लिक लिखने वाला जगह होता है उस टेबल पर, ही स्टार्टेड टू राइट, वह लिखना प्रारंभ किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, यानी अपने भौहों को तरेरते हुए लिखना शुरू कर दिया। कास्ट बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक द एक्सप्रेस हिज आइडियाज, और जो कि उसके विचारों के जो कि अपने विचारों की अभिव्यक्ति के प्रयासों के कारण बना था, उसने लिखना शुरू किया। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने समाप्त किया, ही वेंट टू द विंडो बाय अ स्टैम्प, वह खिड़की के पास गया और एक स्टैम्प खरीदा। विच ही लिक्ड, जिसको उसने चाटा, यानी जीभ से चाटा। एंड देन अफिक्स्ड टू एन एनवेलोप, और उसको लिफाफे पर चिपका दिया। विथ अ ब्लो ऑफ फिस्ट, यानी अपने उंगली के उससे चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, यानी वह क्षण जब मेल बॉक्स में वह पत्र डाला, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, और जब पोस्टमास्टर उसे खोलने गया, इट सेड, इसमें लिखा था या इसमें कहा गया था, क्या लिखा था, गॉड भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर, जो पैसा मैंने तुमसे मांगा था, ओनली 70 pesos रिच्ड मी, केवल मेरे पास 70 pesos ही मिले हैं, 70 pesos ही मिले पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी के भी भेज दो। सिंस आई नीड वेरी मच, क्योंकि मुझको इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसको मुझे मेल के थ्रू मत भेजना, यानी ये जो पैसा आप भेजने वाले हो मेल के थ्रू मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लाइज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स लेंचो, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो धोखेबाजों के झुंड हैं, इसलिए तुम पोस्ट ऑफिस के थ्रू इसको न भेजना। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।